10 बजे के बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। आईएसआईएस के लिए भारतीय युवाओं को रिक्रूट करने वाली सबसे बड़ी आतंकी गिरफ्तार हो गई है। भारतीय मूल की कैरन एजा हामिदन को फिलीपींस में गिरफ्तार किया गया है दो दिन पहले। भारतीय मूल की 36 साल की कैरन पर सोशल मीडिया के जरिए आईएसआईएस के लिए भारतीय युवाओं की भर्ती करने का आरोप है। 2015 में आईएसआईएस आतंकी सिराजुद्दीन की गिरफ्तारी के बाद से ही कैरन हामिदीन एनआईए के रडार पर थी। अब एनआईए कैरन एजा हामिदान से पूछताछ करने की तैयारी कर रही है। एनआईए इस संबंध में जल्द ही फिलीपींस सरकार से संपर्क करने वाली है। एनआईए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी कैरन से पूछताछ कर सकती है ताकि ये पता चल सके कि उसने भारत से कितने लड़कों को आईएसआईएस के लिए रिक्रूट किया है। आतंक के खिलाफ जंग में बड़ी कामयाबी। बगदादी की टॉप मोस्ट आतंकी गिरफ्तार। गिरफ्त में आई आईएस के लिए भर्ती करने वाली हामिदन। हामिदन से पूछताछ की तैयारी में एनआईए। मासूम और भोली सूरत वाली इस महिला आतंकी का नाम है कैरन एजा हामिदन, लेकिन इस चेहरे के पीछे छिपा है एक शैतानी दिमाग जो हनी ट्रैप के जरिए युवाओं को फंसाती थी। अपने हुस्न के जाल से कई भारतीय युवाओं को फंसाने और उन्हें आईएसआईएस की अंधी राहों पर धकेलने वाली कैरन एजा हामिदन अब पुलिस की गिरफ्त में है। फिलीपींस की पुलिस ने मनीला के पास से उसे गिरफ्तार किया है। करीब दो साल से हामिदन आईएसआईएस में मुस्लिम युवाओं को शामिल करने के लिए सोशल मीडिया पर हसीनों का जाल फैलाकर बैठी थी। इस जाल में कई भारतीय युवा भी फंस चुके थे। आतंकी संगठन आईएसआईएस युवाओं को अपने जाल में फंसाने के लिए हनी ट्रैप का सहारा लेता और इसकी जिम्मेदारी किसी और को नहीं बल्कि कैरन एजा हामिदन को दी गई। वो बेहद शातिर तरीके से भारतीय युवाओं से बात करती और सोशल मीडिया के जरिए आईएसआईएस में शामिल करवा देती। यही नहीं बल्कि उनको पहले फिलीपींस बुलाया जाता और फिर उसके बाद सीरिया भेज दिया जाता। भारतीय मूल की 36 साल की कैरन एजा हामिदन ही वो महिला आतंकी है जिसने इंडियन ऑयल के अधिकारी रहे मोहम्मद सिराजुद्दीन को सोशल मीडिया के जरिए अपने प्रेम जाल में फंसाया था और आईएस का आतंकी बना दिया। हामिदन ने सिराजुद्दीन का ऐसा ब्रेन वॉश किया कि उसने भी सोशल मीडिया के जरिए आईएस के लिए युवाओं की भर्ती शुरू कर दी। बताया जाता है कि कैरन एजा हामिदन ने फेसबुक, टेलीग्राम और व्हाट्सएप समेत कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपने अकाउंट बना रखे थे। उसके टारगेट पर भारतीय युवा होते थे और वो उन्हें फंसा कर आतंकी बना देती थी। कैरन एजा हामिदन का नाम एनआईए की दो चार्जशीट में पहले ही शामिल है। वो करीब दो साल से एनआईए की रडार पर थी। कैरन का नाम सबसे पहले चर्चा में तब आया था जब दिसंबर 2015 में मोहम्मद सिराजुद्दीन गिरफ्तार हुआ था। मोहम्मद सिराजुद्दीन ने पूछताछ में यह खुलासा किया था कि कैरन एजा हामिदन ने ही उसे सबसे पहले सोशल मीडिया पर संपर्क किया था और उसके बाद आईएसआईएस में रिक्रूट करने का दबाव बनाया था, जिसके बाद मोहम्मद सिराजुद्दीन आईएसआईएस में रिक्रूट हुआ था। मोहम्मद सिराजुद्दीन ने अपनी पूछताछ में यह भी बताया था कि कैरन ने कई और भारतीयों के रिक्रूटमेंट का काम किया है। कैरन एजा हामिदन का नाम चार और भारतीयों ने एनआईए की पूछताछ में लिया था। बगदादी की इस हुस्न परी के बारे में एनआईए ने करीब दो साल पहले फिलीपींस की सरकार को जानकारी दी थी। एनआईए ने फिलीपींस सरकार को हामिदन के लोकेशन, उसके घर का पता और मोबाइल नंबर तक दे दिया था, जो इस गिरफ्तारी में अहम साबित हुई। आईएस आतंकी कैरन एजा हामिदन सिंगापुर के रहने वाले मोहम्मद शामीन मोहम्मद सिद्दीक की पूर्व पत्नी हैं। मोहम्मद सिद्दीक को आईएस ज्वाइन करने की प्लानिंग करने और हिंसा भड़काने के आरोप में अगस्त 2015 में गिरफ्तार किया गया था। कैरन एजा हामिदन ने दूसरी शादी फिलीपींस के ही रहने वाले मोहम्मद जाफर मुगैद से की,
मोहम्मद जाफर आईएस से संबंधित आतंकी संगठन अंसार अल खफा से ताल्लुक रखता था, जो इस साल जनवरी में पुलिस के हाथों मारा गया। फिलीपींस सरकार के मुताबिक कैरन हामिदन ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले उपदेशक मूसा कैरेंटोनियो की करीबी थी। मूसा कैरेंटोनियो भी आईएस के लिए लोगों की भर्ती करता था। कैरन की गिरफ्तारी नेशनल इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ऑफ फिलीपींस ने 11 अक्टूबर को की। 17 अक्टूबर को सार्वजनिक तौर पर इसका ऐलान कर दिया गया। अब नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एनआईए कैरन से पूछताछ का मन बना चुकी है, इसीलिए वो फिलीपींस गवर्नमेंट के लगातार संपर्क में है। एनआईए की एक टीम फिलीपींस भी जा सकती है। अगर ऐसा संभव नहीं हो पाया तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कैरन से इस आईएसआईएस के सिंडिकेट के बारे में जानकारी इकट्ठा की जाएगी और ये पता लगाया जाएगा कि भारत में और कितनी जगहों पर वो अपनी जड़ें जमा चुकी थी। हामिदन पर सिर्फ भारतीय युवाओं को हनी ट्रैप करके आईएस में शामिल करने का ही आरोप नहीं है, फिलीपींस में उस पर देशद्रोह का आरोप है। उस पर आरोप है कि फिलीपींस के शहर मरावी में इस्लामी उग्रवादियों की भर्ती के लिए हामिदन ने सोशल मीडिया पर 296 पोस्ट किए थे। उम्मीद है कि हामिदन की गिरफ्तारी से भारत में आईएस के नेटवर्क को जड़ से उखाड़ फेंकने में मदद मिलेगी। मनीष प्रसाद और जयप्रकाश सिंह के साथ देवेंद्र पराशर, इंडिया टीवी, दिल्ली। और इसी बड़ी खबर पर बात करने के लिए मेरे सहयोगी जयप्रकाश सिंह मुंबई से और मनीष प्रसाद दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए हैं। बात करते हैं मनीष से। मनीष, एनआईए ने क्या कोई चिट्ठी या कोई लेटर भेज दिया है मनीला सरकार को पूछताछ के लिए? देखिए, जैसे ही मोहम्मद सिराजुद्दीन के इंटरोगेशन में कैरन का नाम आया था और उसके बाद जो तीन और गिरफ्तारियां हुई 2016 में, उसमें भी कैरन एजा हेमिदोज का नाम था, तो उसके तुरंत बाद ही फिलीपींस गवर्नमेंट के वो लगातार संपर्क में थी। अब जब 11 अक्टूबर को कैरन की गिरफ्तारी हुई तो उसके बाद से लेकर अभी तक ये लगातार कवायद चल रही थी, क्योंकि औपचारिक तौर पर फिलीपींस गवर्नमेंट ने, क्योंकि वो लगातार कोऑर्डिनेशन के तहत एनआईए से बातचीत कर रही थी कैरन को लेकर, इसीलिए अब जल्द ही एनआईए की एक टीम हो सकता है कि फिलीपींस जाए और कैरन से पूछताछ करे। अगर ये संभवता पॉसिबल नहीं हुआ तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कैरन से पूछताछ की जाएगी। इसमें दो बड़ी बातें हैं। पहला तो भारत में कैरन का सिंडिकेट तलाशना कि आखिर कौन कौन लोग हैं जो कैरन की डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मदद कर रहे हैं, उसको फंड रेज कर रहे हैं, क्योंकि इन सभी लोगों को भारत से फिलीपींस पहले पहुंचाया जाता है और फिलीपींस से सीरिया। तो ये जो पूरा नेटवर्क है, पूरा नेक्सस है, इसके बारे में एनआईए अब जानकारी जुटाएगी। क्यों, हमें दोनों से पता लगेगा। बात करते हैं जयप्रकाश से। जयप्रकाश, मुंबई के भी कई लोगों के साथ जो आईएस के ऑपरेटिव है उनके संपर्क में थी ये हामिदोन, तो उसको लेकर भी कोई जानकारी लेना चाहेगी मुंबई पुलिस एनआईए के जरिए? देखिए अमित, एनआईए और एटीएस के अधिकारियों से हमारी बात हुई है। पिछले तीन साल से लगातार जो कैरन मैडम उर्फ कैरन हामिदन, ये जो लेडी है जो फिलीपींस में पकड़ी गई है, ये जांच एजेंसियों के रडार पर रही है, क्योंकि पुणे में जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो लड़की जिसको पूछताछ की थी महाराष्ट्र एटीएस ने, उसने ये बताया था कि हामिदन लगातार सोशल मीडिया पर टेलीग्राम और जो फेसबुक है उस पर एक उसने अपना ग्रुप बनाया था और उस ग्रुप में वो लगातार लड़कों को रेडिकलाइज करने का, लड़कियों को रेडिकलाइज करने का काम करती थी। आपको याद होगा 2014 में जो कल्याण से चार लड़के भागे थे जिसमें आरिफ मजिद अभी भी एनआईए की कस्टडी में है, उस आरिफ मजिद ने भी खुलासा किया था कि पुणे की लड़की जो है वो लगातार इन चारों लड़कों के संपर्क में थी, फहाद शेख, अमीन टंकी और जो दूसरे लड़के थे उन्होंने भी इस बात का, वो जो है वो भी पुणे की जो लड़की है उसके संपर्क में थे। और पुणे की जो लड़की है उसने ये जानकारी दी थी एनआईए को कि जो हामिदन है वो ही ये रिक्रूटमेंट का काम करती है, और उसके बाद ही एनआईए ने मोहम्मद सिराजुद्दीन की गिरफ्तारी राजस्थान से 2015 में कराई थी। और मोहम्मद सिराजुद्दीन ने बहुत बड़ा जो नेटवर्क है हामिदन का उसका खुलासा। जयप्रकाश, ये साफ है कि जो हामिदन है वो एक तरह से मास्टरमाइंड है जो पूरा रिक्रूटमेंट का काम चल रहा था भारत में, और किस तरह से यहाँ के जो युवा है उनको बगलाकर उन्हें भेजा जाता था सीरिया। मनीष, एक बात बताइए कि क्या जो एनआईए है या फिर भारत सरकार ये कोशिश करेगी कि उसको एक्सट्रेडिट किया जाए? क्या मनीला के साथ हमारा इस तरह का कोई पैक्ट है? देखिए, दो बड़ी बातें हैं। पहली बात, इस पूरे पे कवायद शुरू हो गई है, एनआईए के द्वारा ये जांच पड़ताल की जा रही है, और साथ में जो कोऑर्डिनेशन टीम है जो भारत और फिलीपींस के बीच कोऑर्डिनेट करती है वो अब इस पूरे मामले को आगे ले जा रही है। दूसरी बड़ी बात, जो कैरन के जो मोबाइल सीज किया गया था उसमें दो मेन व्हाट्सएप ग्रुप थे, एक अल्लाह क्यू एंड ए यानी क्वेश्चन एंड आंसर और दूसरा उमा, और इन दोनों में जो डिटेलिंग मिली है
उसके लिहाज से आने वाले दिनों में ये हो सकता है कि फिलीपींस की नेशनल इन्वेस्टिगेशन ऑफ ब्यूरो, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है भारत की, उसको ये इन्फॉर्मेशन शेयर करे और कई और जगहों पर भी रेड हो। बिल्कुल, फिलहाल मतलब वक्त लगेगा इस पूरे इस काम को करने में कि किस तरह से पूछताछ की जा सके हमीदोन के साथ, और साथ ही क्या उसे भारत लाया जा सकता है पूछताछ के लिए। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए।